सर किया जब है। हिस्ट्री में मुझे ब्रेक लेना है, मैं वापस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है सर जी, जब हिस्ट्री में मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जब 13th सेशन ऑफ ईसीओ के बारे में लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाएगा कि इस्लामाबाद बंकर बना हुआ था, इस्लामाबाद के अंदर छुट्टियां थी, वेबसाइट तो नहीं ना, ये लिखा जाएगा कि ये जो सेशन था, इजलास था, ये पाकिस्तान में हुआ और ये इस्लामाबाद में हुआ। इंडिया जैसे मुल्क को एक कड़ा तगड़ा मैसेज गया जो ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारे मुल्क के अंदर जोड़ती जाए हर काम में। क्रिटिक जो लिखी जाएगी उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखा जाएगा और जो भी पीजे बोलेंगे वो भी लिखा जाएगा। नहीं, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आप पीजे को इन्फ्लुएंस ना करें। नहीं, मुझे पता क्या कह रहे हो, डोंट इन्फ्लुएंस पीजे, पीजे हैज हिज ओन ओपिनियन। नहीं डोंट सर, मैं आपको लॉजिक्स दे रही हूँ जो मैं बात कर रही हूँ। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ के सीधे नहीं पढ़ा करता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते सर, सीधे मैं भी नहीं पढ़ी, मैं आपको लॉजिक्स दे रही हूँ। आप नो, वेयर डिड आई से कि प्राइम मिनिस्टर इज वंडरफुल एंड ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब? आई एम कर चुके हैं। नो, आई एम सेइंग यस, दिस इज अ गुड थिंग सर, मुझे कुछ बुरा नजर नहीं आ रहा। क्या बुरा नजर आ रहा है सर? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप मेरी हमें भी तो देने दे सर, आप मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, यू स्पोक फॉर लास्ट 20 मिनट्स। मैंने सर एक बहस की है। डिड आई? यस एक्चुअली मैंने सर आपके साथ बहस की है। आप दलील मुझे लंदन की दे रहे हैं, आप दलील मुझे अमेरिका की दे रहे हैं, अफगानिस्तान से सीखे। बिकॉज यू हैव गॉट द प्रिविलेज टू विजिट लंदन मिलियन टाइम्स इन योर लाइफ एंड यू आर गिविंग एग्जांपल्स टू पीपल हू हैव नेवर क्रॉस्ड द बॉर्डर। अफगानिस्तान की दूं सर? दे बिल्कुल, हमारे खत्ते में नेबर कंट्री है। जब पीठ पे हमारे अफगानिस्तान जाते गोली लग जाए, नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर उनके सफीर मौजूद थे, वो यहाँ पर आए। ताजिकिस्तान खुद भी जाओ, उनको भी रोटी खिला के आओ सर। अजरबैजान में भी जाओ, खिला के आओ। सर मुझे समझ नहीं आ रही है, आप इनको फाका ज्यादा मुल्क कह रहे हैं लेकिन जब खत्ते में टेरर की बात होती है, इसकी बात होती है, हम क्या ये समझते नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं? फाका ज्यादा मुल्क को आप सर पे सवार करते हैं। अफगानिस्तान से यही पाकिस्तान बचाने गया था ना 79 में। क्वेश्चन इज, जब तक आप इसकी जो इंसर्जेंसी है अंदर खत्म नहीं करेंगे, आपकी FDI इफेक्ट हो रही है, आपके SMEs खत्म हो गए हैं, कॉटेज इंडस्ट्री आप देखें कहां से कहां है। यस, बेहतरी आई है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इट्स अ गुड थिंग, वी मस्ट अप्रिशिएट इट, लेकिन आपको इसका एक टोटल इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए। जब तक आप इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं देंगे, आपका यहां टैक्सेशन इतना ऊंचा हो गया हुआ है, इतना हाई हो गया है कि लोग, एक आम आदमी बेचारा तड़प रहा है, फंस रहा है। आप कह रहे हैं जी आपने टैक्स अपना जो उसका रिबेट है या टैक्स नेट है उसको आपने ब्रॉड अभी किया, कोई नहीं है, ठीक है। जब तक आप ये सारी चीजें इनको ठीक नहीं करेंगे, आप में ये एक आप कह लो कि डिस्कंटेंट, आप कह लो रेजिस्टेंस। लेकिन सर जब बात करते हैं, वो जैसे साबर शाह साहब के साथ भी वो जो जैसे पावर प्ले हुआ, द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि जब हम इस तरह की बात करते हैं ईसीओ की, तो सर वो खित्ते के ही ममालिक होंगे ना। मतलब डू यू रियली रियली वांट कि इस ईसीओ के अंदर अमरीका भी आए या पार्टिसिपेट करे? देखिए खित्ते के अंदर है ना, कह रहे हैं सिंगल 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 यूनिट बन जाए, वन करेंसी बन जाए, दैट इज नॉट आई एम सेइंग। पर्पज यही है इसका, क्या ईसीओ क्या बनाना चाह रहे हैं? यूरोपियन यूनियन लाइक ब्लॉक फॉर ट्रेड एंड सर्विस फॉर द रीजन, फॉर द रीजन। आपके खित्ते के तमाम ममालिक इकट्ठे होकर के एक ब्लॉक बना रहे हैं, सिंगल करेंसी कहते हैं ना, सिंगल करेंसी एरिया। नंबर वन, चले फॉर आर्ग्यूमेंट्स एक हम इस पर भी डिबेट कर लेते हैं। यार आपका जो आप कह लो कि आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं है, आपकी इकोनॉमीज, ये जो किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, आपकी इनकी इकोनॉमी, आपकी वो चार्टर्ड कोई इकोनॉमी नहीं है, आप कैसे लेके आएंगे? मुझे बता दें आप कैसे लेके आएंगे? एक तरफ आपका वो ये जो जानी दुश्मन हिंदुस्तान बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका जो हम जिसको कहते हैं कि अफगानिस्तान, हम उसके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? लेकिन सर क्या इस ईसीओ के कामयाबी से इनकाद पे जो इंडिया है जिसको आप दोस्त कह रहे हैं या जो भी है, दोस्त नहीं है, दुश्मन है, ऑफकोर्स अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, आपने अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं दो दफा कह चुकी हूँ कि लेकिन हमारे हाथ दोस्ती के आए भी नहीं है, वो जो उनके जो लोकल यहाँ पे सफीर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी तरफ से आए भी नहीं है, हालांकि वी हैव डन सो मच फॉर अफगानिस्तान, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इन रिटर्न इज अ बिग डिजास्टर। बट द पॉइंट इज कि क्या इंडिया जैसे मुल्क को एक मैसेज जाएगा? देखिए इंडिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इंडिया डजंट गिव पाकिस्तान इज सेफ, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडिया डजंट गिव अ डैम। सरबराहान अगर पाकिस्तान आकर के सर मोहर लगा रहे हैं, हम जो कहते हैं कि हम रुके, उन्होंने एंजॉय किया, खाना खाया, एंजॉय किया सर, ये लोग ऐसे ही खाने पीने में एंजॉय करते हैं सर। उनके ममालिक में भी ऐसे प्रोटोकॉल होता है, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे थे जिनके साथ सर अपने जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं, सो दे यूज्ड टू इट। ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से तो बंदूकें नजर आ गई। नहीं, हमें होटल से निकलने से कोई नहीं रोकता, वहां पे हम प्राइवेट कैब्स में रात को शहर देखने जाते हैं जब फॉरेन दौरों पे जाएं। बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। आपको रोका तो हम स्टेट ऑफ वॉर में है ना, तो कुछ प्रिकॉशन भी तो लें, कि प्रिकॉशन भी ना ले फिर आप जैसे लोग ही शुरू हो जाएंगे, फिर एंजॉय तो ना हुआ लेंगे। नहीं, एंजॉय तो ना हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एंजॉय कैसे करते हैं? अगर आप ये चाहते हैं, निकल के एंजॉय, अगर मेरी मोहर लगाने से ये काम होता है कि इसी को बहुत बड़ी सक्सेस है, मैं लगा देता हूँ। जेन में रखिए, मैं टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ पीजेस बुक,
आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सी सर, जो हमारे बड़े बड़े नाकदीन है ना, सॉरी हाँ। उनके लिए तो पाकिस्तान सक्सेस है ही नहीं, उनके लिए तो पाकिस्तान की कोई इस हालात में नहीं है, ना सुपर लीग इस हालात में नहीं है, इस हालात में नहीं है। चलो सर आप कोई पॉजिटिव चीज बता दें, अल्लाह का दुआ करें। एक सेकंड देखें, बात सुने सर, हम तो हमेशा अपना अपना बोया काट रहे हैं आप, जो है वो उसको अच्छे से अपना बोया काट रहे हैं। आपको अच्छी चीज मुझे पाकिस्तान अपना बोया काट रहे हैं मशीन मशीन सर, कुछ अच्छा लग रहा है आपको आजकल? कुछ नहीं लग रहा हूँ, देखे ना, तो बस यही बात, पागलों की तरह कहता जाऊँ। लेट्स टॉक ऑब्जेक्टिवली, हमारी हालत आपके सामने है, रॉ मुसाइड सीआईए हमारी सड़कों पर फिर रही है, लोग हमारे बिके हुए हैं, टेररिज्म यहाँ रैम्पेंट है और वहां गुर्बत बहुत शदीद है, ईरान के पता ही कोई नहीं, कल को फिर ट्रेड बंद हो जाए, एम्बार्गो लग जाए, टर्की का पता ही कोई नहीं कि यूरोपियन यूनियन में जाता है नहीं जाता, जाने नहीं दे रहे, बहुत चमचागिरी उन्होंने करके देख ली, ऐसे क्या आप इसको यूरोपियन यूनियन लाइक कॉमन ब्लॉक बनाएंगी, कॉमन करेंसी वाला? इम्पॉसिबल, इट इज लाइक लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। नहीं तो करना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान, नहीं तो करते जाए कभी ना, किया है ना तो सक्सेसफुल हो गया, तो इसका क्रेडिट तो देना, आप क्रेडिट ही नहीं दे रहे। सक्सेसफुल कैसे हो गया आपने करेंसी? सर कोई अमन अमान की कोई सिचुएशन कोई खराब नहीं हुई, इस्लामाबाद बंकर बनाया हुआ है, स्कूलों में छुट्टियां दी हुई है, इस्लामाबाद बंकर बना हुआ है, स्कूलों में छुट्टियां दी हुई है। सर इस्लामाबाद जब बंकर बनता है ये यहाँ उर्स होते हैं, नहीं नहीं सर जो उर्स होते हैं उस पे नहीं छुट्टियां होती, नहीं उर्स पे छुट्टियां किसी और वजह से होती, इस तरह सारे स्कूलों में छुट्टियां, आप इधर से जाए ट्रैफिक प्लान वो है, ये इनको बंद कर दें ये कर दें, इस तरह ना कोई और वजह क्या होती है, ना ईसीओ शीसीओ सिक्योरिटी होती है ना, तो क्या सिक्योरिटी है, पूरा पूरा शहर बंद है यार, हम लंदन अमेरिका तो फिरते रहे, इतने इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस होती रही दी है, अगर छुट्टियों दे दी है तो इसके उर्स में भी छुट्टियां हो जाती है, कोई मैच हो जाता है उसमें भी छुट्टी हो जाती है, बड़ा मसला है। फॉरेन कंपैरिजन तो लीजिए आप, फॉरेन कंपैरिजन लंदन अमेरिका से सीखना किससे है, अफगानिस्तान से सीखना आपने, कंपैरिजन होता है कंपैरेटिव एनालिसिस, सीखने के लिए होता है, कोई अच्छी चीज सीख ले सर, कंपैरिजन अपने बराबरों से होता है। अच्छा, ये जो आप जिन मुल्कों को कह रहे हैं ना गरीब फाके ज्यादा मुल्क हैं, इनके साथ आप कंपैरिजन एक मिनट दे लेने के साथ करें, ईरान के साथ करें, क्या, क्या करें? सर जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, व्हाई यू गो टू लंदन एंड अमेरिका, वो तो अपनी मुसीबतों में बेचारे बाहर नहीं आ रहे, अभी टर्की होके आई है बाहर नहीं फिरी, माफिया की क्या पोजीशन है सर? हम डिप्लोमेटिक दौरे पर गए थे, दुनिया जहां में सहाफियों को लेकर जाते हैं, क्या अमेरिका में सहाफियों को लेकर नहीं जाते? क्या पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सहाफी नहीं कब कहा गए थे? मैं भी जाता रहा हूँ, जाते रहे ना, शुक्र है आपने मान लिया, आप भी जाते रहे हैं, बट द पॉइंट है सर कि ये इंटरनेशनल ममालिक है ना, क्या इन ममालिक का नक्शे के ऊपर कहीं कोई नाम नहीं हर जगह है? क्या कोई मैटर नहीं हर जगह है? पाकिस्तान में सब इकट्ठे हो रहे हैं, हर जगह एक सी टीम बना ले कि गलियों मोहल्ले वाले खेलने वाले गोरे ले हैं पीसीएल में, इधर वो मुल्क जिनके पास खाने की रोटी नहीं है उसे ईसीओ बना लें, आप सी टीम बनाए आप कोशिश पे ना, तो नवाज शरीफ की हुकूमत का कसूर है टेररिज्म में। सवाल ये है, कोई भी हुकूमत होती मेरे बाप की होती मैं कहता जी ये क्या कर रहे हैं आप, अच्छा चले कर लें जी, ये लोगों को तंग तो ना करें। टर्की का प्रेसिडेंट आया था लाहौर, सारा शहर बंद आपने किया हुआ, इस तरह फिराते हैं लोगों को शहरों के अंदर, इस तरह मतलब कौन ना को वो फूल पत्तियां हैं किसी पे निछावर हो। इसके पॉलिटिकली इमरान खान साहब अगर कोई बात करते हैं तो 19-20 चलें जी, हम उसको रद्द कर सकते हैं या कुछ बातों को इग्नोर कर सकते हैं कि सो व्हाट, ठीक है ऑपोजिशन लीडर है कह दिया, लेकिन व्हेन अ लेजेंड अ लिविंग लेजेंड ऑफ क्रिकेट इज टॉकिंग लाइक दिस, तो उसका रिजल्ट ये होता है जो केविन पीटरसन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दी, चार एग्जाम्पल आपको और देखने वाले दे देंगे कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि नहीं आना चाह रहे because they are saying if Imran Khan is saying this, so sorry, we back out. प्रोफेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन है जिसके वो मेंबर हैं, और जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन है उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही ब्लैक बॉल किया हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर आ नहीं रहा। आपने कन्विंस करना है, जिस तरह अभी साबिर शाह साहब ने बात की है कि आपके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इनको तो चाहिए था जाके प्रोफेशनल प्लेयर्स क्रिकेटर्स एसोसिएशन से उनसे बात करें, उनको कन्विंस करें कि भाई यहां भेजो, हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। वन टू, जब आप पीएसएल की बात करते हैं, दिस इज एन ऑर्डिनरी क्रिकेट मैच, दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ये दिस इज पाकिस्तान सुपर लीग, दैट्स अबाउट इट। उसके अंदर आपने बाहर के लोग लेके आए हुए हैं और वो सेकेंड एंड थर्ड टीयर के हैं जो कि बेसिकली जैसे इंडिया में होती है, इंडिया में डिफरेंट होती है, इंडिया आईपीएल में करंट प्लेयर्स खेलते हैं, उनमें करंट प्लेयर्स खेलते हैं और उनमें टॉप आदमी खेलता है हमारे, तो सर यहाँ पर भी खेलेंगे ना, दिस इज जस्ट द सेकंड सीजन ऑफ पीएसएल सर, थर्ड सीजन फोर्थ सीजन, आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें बेहतर होंगी, सीजन नहीं चीजें कब बेहतर होंगी, सवाल तो ये है, ये आज अगर आपने करना होता है तो आज आपके साथ खेल रहे होते, आपका मार्केटिंग प्लॉय बड़ा वीक है, ठीक है ना, जिस आदमी ने ये पीएसएल बनाई सलमान सरवर भट्ट, उसने पहले साल तो चला दिया और एक सक्सेस था, सेकेंड ईयर आज जो इस साल जो हुआ है वो इन्होंने पूरा उसे प्लान मांगा, उसे प्लान लेके उसको फारिग, उसकी पूरी टीम को फारिग कर दिया। दिस इज हाउ वी वर्क इन दिस कंट्री। ओके, वन टू, थर्डली
आप क्या इम्प्रेशन देंगे कि दिस विल बी द मोस्ट फोर्टिफाइड एंड प्रोटेक्टेड क्रिकेट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एवर, और मैं ये यूनिक कह रहा, नॉट रेयर, यूनिक। बड़े हादसात पहले भी हुए हैं, लेकिन आपकी आर्मी की कॉन्टेंजेंट होंगी, आपकी मेरे ख्याल है पुलिस के कॉन्टेंजेंट होंगे, आर्मी चीफ साहब क्या, सॉरी वन स्टेप एट अ टाइम, आई डोंट नो कि व्हाट सेठी साहब इज थिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट द मेकर्स एंड द आइडिया जो जिन्होंने थ्रो किया है पीएसएल का, वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन मे बी दिस कैन बी वन ऑप्शन, वन स्टेप एट अ टाइम। बेनिश माइनस फॉरेनर्स, इट मीन्स नथिंग। आई अंडरस्टैंड वेन यू ऑर्गेनाइज मैचेस, आज भी कह रहे हैं शो के लिए मैं आ रही थी, उससे दो चार घंटे पहले ट्वीट भी कर रहे हैं सेठी साहब, कल उन्होंने एजाज हैदर साहब को एक एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू भी दिया। अगर सेठी साहब कह रहे हैं बजिद हैं और वो शोर शॉट कह रहे हैं कि चार चार खिलाड़ी हर टीम में इंटरनेशनल होंगे, तो सर होंगे ना हम, नहीं नहीं आप समझ रही नहीं, वो जो बी कैडर के प्लेयर हैं, समझ गई हूँ, आप ये चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर आजे खेलने के लिए, सुनील गावस्कर आजे खेलने के लिए, कुमार संगकारा आजे खेलने के लिए, तो सर वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता कब आएंगे, ऑलरेडी 85% खिलाड़ी वो हैं, मैंने अर्ज किया, जो या रिटायर्ड है कप्तानों समेत या जो शंटेड आउट है। दूसरी बात, सेठी साहब की नीयत पे मैं इस वक्त शक नहीं कर सकता, वो जो इल्जाम उन पे लोग लगा रहे हैं कि पता नहीं पैसे बना लिए क्या कर लिया, लंबी चौड़ी उन्होंने एक लाइन दी है हिदायतनामे जो शायकीन के लिए जारी किए हैं, खैर सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो मोबाइल फोन्स जो अलाउड नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही, चार पांच घंटे पहले जाना है उन्होंने मैच से सेटल डाउन करने के लिए, एक शटल सर्विस उनको बस की लेकर के जाएगी, बड़ी तकलीफें होंगी, दो किलोमीटर दूर पार्किंग है, इसमें कोई शक नहीं है, स्टेडियम आपको भरा मिलेगा। आप मेरी इस बात की स्पिरिट नहीं देख रही, हमारी तमाम दुआएं सेठी साहब के साथ, बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता को वाक्य हो जाता, नंबर वन सेठी साहब भी डर रहे होंगे इस बात से, क्यों नहीं डर रहे होंगे, खुदा न खास्ता कल को कोई इल्जाम निकल आते हैं। देखिए मैं आपको बात एक बताऊं, सेठी साहब की जो अपनी टीम है मीडिया और कम्युनिकेशंस की, मुझसे इंतहाई पुअर है पीसीबी की अपनी टीम, वो मेरे ख्याल में मुंह छुपाते फिर रहे हैं सारे, तो वो कहेंगे जी लाहौर को बंकर बना के एक एक मील दूर आप गाड़ियां खड़ी करके अगर मैच करवाएंगे सिक्योरिटी के नाम पर तो ये कौन सा कमाल हो गया, फॉरेन प्लेयर्स ना हुए या बी ग्रेड हुए तो ट्रॉफी का मैच हो गया। अच्छा फिर वो कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर्स आपने रखे, पैसे दिए होंगे रमीज को भी, वसीम अकरम को भी, तो इन्होंने क्या कमाल किया, अगर हालात अच्छे होते तो खिलाड़ी अपने आप आते, इनको तो रखा गया था खिलाड़ियों को कन्विंस करने के लिए, अगर कन्विंस ही नहीं किसी को कर पाते और सारा काम सेठी साहब ने करना, तो पीसीबी अपना पैसा वगैरह क्यों जाया करती है इन पर। फिर इनके क्रिटिक्स ये भी कह सकते हैं, और ये होगा आने वाले दिनों में, कि जी मैच फिक्सिंग बहुत ज्यादा है, क्रिकेट बोर्ड के बस में हो तो वो शायद छुपा ले नाम, लेकिन ब्रिटिश प्रेस जो है नासिर जमशेद वगैरह के कन्फेशंस नहीं छुपाएगा, वो तो अब ब्रिटिश पुलिस ने पकड़े, नहीं होती नंबर वन, नंबर टू ये कि ये जस्टिफिकेशन नहीं है। सर देखिए, आपको क्रिटिक्स ने अगर एक मैसेज भेजा या आपके पास एक क्रिटिसिज्म आया, सो बीइंग अ नॉर्मल व्यूअर और बीइंग अ क्रिकेट लवर, आई हैव देन आंसर टू ऑल दोस क्वेश्चंस इन माय कैपेसिटी। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, कहां नहीं होती मैच फिक्सिंग, कहां नहीं होती अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि आ रहे हैं वो वाले नहीं आ रहे, कोई और इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं ना, नहीं टॉप क्लास प्लेयर होने चाहिए, ये सुपर लीग है नंबर एक। सर पहले अमन अमान से ये तो होने दें, इंशाल्लाह ताला वो दिन भी दूर नहीं। मैंने कहा कि मेरी दुआ है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूं कि खैर वाफियत से हो, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करनी चाहिए कि टॉप क्लास प्लेयर्स होने चाहिए, उसी तरह स्पॉन्सर और फाइनेंसियर आते हैं, हमारे यहां तो ना बसंत होती है ना शादी के फंक्शन, दो घंटे में बंद कर देते हैं, खुशियां इन्होंने सारी छीन ली है, तो हाउसमेंट का जरिया नहीं है। 35,000 आदमी 1 करोड़ के शहर में, स्टेडियम तो भर जाएगा, बड़ी तकलीफों में लोग आएंगे, दुआ कीजिए एक दो दिन बाकी है, अल्लाह खैर करे कुछ ना हो, फाइनल हो। अब क्रिटिक्स कौन है, अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, इमरान खान मुकम्मल हक रखते हैं अपोजिशन लीडर के तौर पर, वो ये बात करें बिल्कुल हक रखते हैं, लेकिन सर इंटरनेशनल लेवल पे लीडर भी हैं, उनके स्टेटमेंट को सुना जाता है दुनिया भर में, तो देखना पड़ता है ट्रंप के साथ क्या हो रहा है, दुनिया बदल गई हुई है। नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं इमरान खान ट्रंप है? मैं नहीं, ट्रंप के साथ क्या हो रहा है, उसकी अपोजिशन नहीं है अमरीका में, यूरोपियन यूनियन नहीं। गिव मी अ मिनट बिफोर वी गो टू पीजे। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कॉमेंट के जरिए बताते रहे, हमारी चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना।